स्वागत है। मैं आज बनाने जा रही हूँ आलू टिक्की। तो मैंने उसके लिए जो है आलू उबाल के छील के ले लिया है। तो मैंने यहाँ 8 आलू लिया है। तो अभी इसका मसाला बना के तैयार करते हैं। मैंने पैन ले एक जो फ्राई पैन ले लिया है। तो इसमें जो है मैं 1 चम्मच छोटा सा तेल डाल ली हूँ इसमें। तो हम इसमें मसाला रोस्ट करने के लिए मैं ली हूँ। तो मसाला अगर रोस्ट करके डालते हैं तो वो इसकी जो है कुछ ज़्यादा ही अच्छा जो है इसका स्वाद आता है। तो मैं इसमें जो है नमक डालूँगी। स्वाद के अनुसार आपने डालिए नमक। ज़्यादा गर्म में नहीं डालेंगे क्योंकि जो है ज़्यादा गर्म में डाल देंगे तो मसाले जल जाएंगे। तो हल्का सा गर्म है इसलिए इसमें हम डालेंगे। मैं छोटी सी आधी चम्मच से कम ही है हल्दी पाउडर और आधी चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच जो है लाल मिर्च पाउडर, छोटी चम्मच है मेरी, और आधी छोटी चम्मच जो है धनिया पाउडर। इसको हम थोड़ा सा ऐसे मिला के रोस्ट कर लेंगे हल्का सा, ज़्यादा नहीं करना। एक हो गया है, अभी गैस को बंद कर देते हैं। इसको ठंडा होने देते हैं। मैंने यहाँ आलू को मैश कर लिया है। अब इसको हम रोस्ट किया हुआ मसाला इसमें डाल देंगे। और इसमें मैंने आधी छोटी चम्मच जो है चाट मसाला लिया है, इसको भी डाल दूंगी, और धनिया पत्ती। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने जो है आलू को जो है मसाले इसमें मिला लिए हैं। अब इसमें हम लेके बहुत बड़ा नहीं ऐसे करके ऐसे हम पेड़े बना लेंगे। मैं ऐसे बना बना के सारे ऐसे बना के हमको बस ऐसे दबाना है जरा सा, ऐसे करके सब सारा ऐसे बना के हम रख लेंगे। तैयार कर लिया है। अब इसको मैं साइड में रख देती हूँ। अब हमको चाहिए बेसन, तो मैंने इतना बेसन लिया है, एक छोटी कटोरी से है। तो मैं भी दिखाती हूँ जो है एक कटोरी मैंने इसका बेसन लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी नमक, थोड़ी सी हल्दी, एकदम बिल्कुल एक चुटकी जितनी। इसमें हम इसको अच्छे से गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेंगे। हमने बेसन का पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। हमको इतना गाढ़ा चाहिए, इससे गाढ़ा और या इससे पतला नहीं। तेल गरम करने के रख दिया है। अब इसमें हम डिप करके जो मैंने आलू का बनाया है बेसन में डिप करके इसमें हम डाल देंगे। और ऐसे एक एक करते हैं, ऐसे जितना डालिए जितना उसमें आ सके। हम इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर का, और मीडियम जो है रखेंगे इसका ताकि बेसन ऊपर से अच्छे से पक सके। हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है तब हम इसको एक थाली में निकाल लेते हैं।
सारे हम तल लेंगे करके। देखिए हमारे ये जो हमने सारा ऐसे करके तल लिया है, देखिए ये देखने में बिल्कुल बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखिए मैंने बना के सर्व कर दिया है हरी चटनी के साथ, खट्टी मीठी चटनी है। तो अगर आपको खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिख के पूछ सकते हैं और मैं तब बता दूंगी आपको। और मैंने ये देखिए एकदम बिल्कुल अच्छा बना है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, कलर भी इसका अच्छा लग रहा है। तो खाने में बहुत टेस्टी होती है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो उम्मीद करती हूँ आप सब बनाएंगे और ज़्यादा मेरी ये रेसिपी पसंद करेंगे। और अगर आपको पसंद आती है तो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ जो है अपनी राय लिखिएगा और मेरे जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। नमस्कार, मेरी वीडियो देखने तक धन्यवाद, देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो तक मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।